Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. मेरे बच्चों, आज फर्स्ट और सेकंड यानी फर्स्ट और दूजे का क्लास है। तो सब्जेक्ट जो है, मजमून वह है मैथ। तो टॉपिक जो है आज का वो है न्यूमरल्स एंड नंबर नेम्स। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास ये कुछ मार्कर पेन है। देखो, ये गट्ठा है मार्कर्स का। अब मैं इनको गिनने की कोशिश करूंगा। देखो, पहले हम इनका शुमार करेंगे। 1 2 3 4 5। तो पहले हमने इनको काउंट किया है। काउंट के बाद फिर 1 2 3 4 और उसके बाद 5। ये 5 जो है, इसको हम न्यूमरल कहते हैं। इसको हम न्यूमरल कहते हैं। अब इसका एक और नाम है जिसको हम नंबर नेम कहते हैं। वो हम अंग्रेजी में लिखते हैं, वो मैं आपको यहाँ आगे बता दूंगा। देखो, मैंने यहाँ लिख कुछ ग्राफ खे कुछ शक्लें खींचे हैं। अब पहला, क्योंकि वक्त का भी ख्याल रखना है, मैंने एक एप्पल बनाया है। अब हम इसको काउंट करेंगे। देखो, ये क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये कितने हैं, ये कितने हैं, 1 है ना। अब 1 ऐसे लिखना है, ये नंबर नेम। यहाँ देखो, इस न्यूमरल के नीचे में लिखो 1। अब नंबर नेम इसका क्या बनेगा, देखो, O N E 1। आपने समझा, ये इसका न्यूमरल, ये है नंबर नेम। अब देखो दूसरा, यहाँ 1 था, अब यहाँ काउंट करेंगे 1 2। अब यहाँ लिखेंगे 2 सीधा, यहाँ TWO 2 नंबर नेम। अब फिर करेंगे इनको काउंट 1 2 3, यहाँ ये 3 इस तरह लिखते हैं। अब लिखो इसका नंबर नेम, ये आपने पहले भी पढ़ा है 3। अब देखो ये वाला 1 2 3 4। अब यहाँ लिखेंगे हम 4। अब यहाँ FOUR आप लिखते जाओ। अब फिर यहाँ देखो कितने हैं, यहाँ काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5। अब हमें ये जो है, ये न्यूमरल 5 है। अब यहाँ FIVE 5। अब इसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 है। अब SIX 6। अब इसके बाद इसको काउंट करेंगे, इसको 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ लिखेंगे 7 SEVEN 7। अब इसके बाद ये काउंट करो, देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लिखेंगे, यहाँ 8। अब EIGHT 8। अब ये देखो, ये काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ आए हमें 9। अब NINE 9। अब ये वाला हम आखिरी वाला हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इस तरह, ये 2 डिजिट है। मैं कल आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 2 डिजिट बन गया यहाँ। अब TEN 10। तो इस तरह हमने काउंटिंग आज सीखी है 1 to 10। यानी हमने कुछ शक्लें बनाए हैं, इनको काउंट किया है, फिर उनका न्यूमरल लिखा है, फिर आगे उनका नंबर नेम लिखा है। तो इस तरह हमने न्यूमरल भी सीखा और नंबर नेम भी सीखा। तो आप अपनी कॉपी पर लिखिए, उतारिए, इसकी मशक कीजिए घर पर। इंशाल्लाह कल अगर अल्लाह ने मौका दिया है तो आपके सामने फिर हाजिर हो जाने की कोशिश करेंगे।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाकी वसलम।